मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज हमने ग्वालियर की 17 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की न केवल समीक्षा की बल्कि उन पर चर्चा भी की है। हमें कई सुझाव मिलते हैं और उसके आधार पर हम कुछ बदलाव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर बदल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भविष्य का ग्वालियर गढ़ा जा रहा है। आज जो हमने ग्वालियर के जो हमारे 17 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स पर केवल प्रगति की समीक्षा नहीं लेकिन विचार विमर्श भी, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स पे अनेक सुझाव आते हैं। सुझाव के आधार पर उन प्रोजेक्ट्स में फेरबदल या नियंत्रण किया जाता है और उसके आधार पर आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे कि आप लोगों के भी कई बार सुझाव आते हैं, उन 16-17 प्रोजेक्ट्स पर आज हमारी चर्चा हुई है और ग्वालियर बदल रहा है और हमारे भविष्य का ग्वालियर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हम सब जनसेवक साथ में मिलकर ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण इतिहास ग्वालियर का रहा है उसका नव निर्माण हमारी संस्कृति को उसके समक्ष आगे रखकर उस भविष्य का ग्वालियर का नव निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। कई योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको सूचना है ही, जैसे पश्चिमी बाईपास ग्वालियर का, जो ग्वालियर की नई दिशा में एक्सपेंशन तय करेगी। उस पश्चिमी बाईपास की प्रगति पर भी हमारी चर्चा हुई और शीघ्र ही जो उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस और दूसरी परमिशंस की जरूरत है केंद्र सरकार से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा आगरा ग्वालियर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जैसे मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि यमुना एक्सप्रेसवे के आधार पर दिल्ली से आगरा हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और उसके बाद आगरा के ट्रैफिक में अटक जाते हैं और फिर आगरा के बाद 2 लेन हाईवे ही आता है ग्वालियर के लिए 120 किलोमीटर का और 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं इस सफर को तय करने के लिए। तो एक नया पैरेलल एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार के साथ मिलकर योजना हमने बनवाई है और उसमें लंबाई भी कम हो जाएगी। जो वर्तमान की 120 किलोमीटर है वो केवल 85 या 90 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी और वो 6 लेन का एक्सप्रेसवे या 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसके आधार पर इस दूरी को भी हम लोग करीब 1.5 घंटे में हम लोग तय कर पाएंगे। इसके लिए भी अंतर्राज्य बन चुका है ये, क्योंकि यूपी, राजस्थान और ग्वालियर तीनों राज्यों की भूमि इसमें आती है, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर होते हुए। तो अनेक पट्टियां हैं जिसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत है। तो सभी सरकारों के साथ हम फॉलो अप कर रहे हैं और उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाएगी और उसके तहत इसकी शुरुआत होगी।